राजधानी रायपुर के वृंदावन हॉल कबीर चौक में गुरुवार को छत्तीसगढ़ी तैया सवांगा दिवस का आयोजन किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्य के लोगों को मीडिया, कला, साहित्य, विज्ञान और अन्य क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें हमारे TV24 की प्रोग्रामिंग प्रोड्यूसर वर्षा भिगड़े को भी छत्तीसगढ़ धरोहर रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। हॉल में आज शांता दीदी ने छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान, छत्तीसगढ़ धरोहर रत्न सम्मान का आयोजन किया है। जैसा कि आज हम सब जानते ही हैं कि 15 फरवरी विश्व गहना दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज छत्तीसगढ़ की बेटी जो निरंतर विलुप्त होते पारंपरिक गहने जो छत्तीसगढ़ के हैं उसके लिए वो निरंतर काम कर रही हैं, यात्राएँ कर रही हैं और आज 15 फरवरी के दिन उन्होंने एक यहाँ पर प्रोग्राम का आयोजन किया छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान का, छत्तीसगढ़ धरोहर रत्न सम्मान। और आज उसी कड़ी में हम उनसे जानते हैं कि उन्हें ये गहनों को सहजने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली और आज वो लोगों का गहने देकर के जो सम्मान की है उन्हें किस तरह का आज अनुभव वो महसूस कर रही हैं। शांति दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इतने अच्छे आयोजन के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे महसूस कर रही हैं और आपको ये प्रोग्राम और ये छत्तीसगढ़ी गहनों को सहजने के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? जब महिलाएं गहने को पहनती नहीं है और उपेक्षित होता है ये गहना, उसे देख करके मैंने ये काम को किया कि क्यों ना हम अपने पारंपरिक गहनों को छत्तीसगढ़ धरोहर रत्न सम्मान के तौर पे दे, ताकि महिलाएं किसी भी फंक्शन में जाएं, तीज त्यौहार में जाएं तो ये पहने और ये जो उपेक्षित गहने पुनः स्थापित हो जाए। इसी वजह से मैंने छत्तीसगढ़ धरोहर रत्न सम्मान रूपाली माता रिगुड़ी के बैनर तले ये आयोजन आज मैंने किया और छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ सेवा देने वाली महिलाओं पुरुषों को मैंने यह सम्मान किया। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं वो बिल्कुल पारंपरिक छत्तीसगढ़ी गहनों के साथ में यहाँ पर आई हैं, क्योंकि उनका सिर्फ ये गहने और इस परंपरा को निभाते हुए आज, क्योंकि छत्तीसगढ़ परंपरा, छत्तीसगढ़ गहना दिवस भी है और वो छत्तीसगढ़ महतारी को अपनी जो माँ है, छत्तीसगढ़ को हम माँ के रूप में, अपनी जो भूमि है उन्हें हम माँ कहते हैं। जन्म देने वाली माँ तो अलग होती है बट देश की और राज्य की जो हमारी मिट्टी होती है वो भी हमारे मातुल्य होती है, माँ होती है। और इस दिन इस तरह का गेटअप पहन के बेटियाँ आई हैं और अपने माँ को एक अलग तरह का सम्मान दे रही हैं। जो गहने होते हैं वो हमारे सिर्फ एक श्रृंगार की वस्तु नहीं होती है, वो हमारी परंपरा भी होती है। तो आने वाले जो युवा पीढ़ी है, शांति जी से जानते हैं कि वो आने वाले युवा पीढ़ी के लिए वो क्या कहना चाहेंगे? मैं आने वाली युवा पीढ़ी से यही बोलती हूँ, बच्चों अपनी संस्कृति का मान रखिए। जिस तरह से आप लेन देन एक दूसरे से गिफ्ट देते, फ्रेंडशिप डे दे, वैलेंटाइन डे पे जिसमें भी जो भी एक व्यवहार लेन देन का करते, बर्थडे में देते हैं, तो आप अपने पारंपरिक चीजों को दीजिए जिससे ये विलुप्त नहीं होंगे, पुनः चलन में आ जाएंगे। मैं बाड़मेर राजस्थान से आई हूँ, मेरा नाम अनीता चौहान है, मैं BJP महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ और मेरे पास और भी पद है लेकिन अब इतना बताऊंगी तब समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। वैसे मैं समाज में भी जिला अध्यक्ष हूँ रावणा राजपूत समाज। मुझे बहुत अच्छा गर्व हो रहा है कि शांता दीदी ने मुझे यहाँ बुलाया, इतने प्यार से बुलाया तो मुझे आना भी जरूरी था। मैं जैसे आज राजस्थान के लुक में आई हूँ तो पूरा गहना दिवस है इस हिसाब से आई हूँ और हमारे वहाँ कल्चर यही है कि पूरा ये गेटअप पहन के हम कहीं भी कार्यक्रम में जाते हैं या कहीं शादी वगैरह में जाते हैं तो भी यही पहनते हैं। मेरा तो यही कहना है कि ये गहना दिवस है तो भी पहनने चाहिए, नहीं तो ऐसे भी गहनों को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे पारंपरिक जो चल रहा है उसी हिसाब से चलना चाहिए। राजस्थान का लुक ये है, और भी सभी जगह का अलग अलग लुक है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको पहनना चाहिए और इसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलाना चाहिए और याद रखना चाहिए। आज गहना दिवस पर दीदी ने जो कार्यक्रम रखा है वो हमारी संस्कृति के लिए एक उदाहरण है, आने वाली पीढ़ी को ये एक पहचान बने और इसके प्रति उनकी जागरूकता बढ़े और इसके प्रति लगाव बने और इस प्रकार की पद्धति इन्होंने अपना करके आज सम्मान में जो गहने दिए, इससे क्या होगा कि आने वाली पीढ़ी को इस गहनों की पहचान होगी और इसका महत्व बढ़ेगा। हमारी जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति गौरवशाली संस्कृति है
उस संस्कृति को विलुप्त हमें नहीं होना चाहिए। हमारे युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति की से ही हमारी देश की पहचान है। हमारे प्रधानमंत्री जहाँ हमें विश्व को गौरवशाली बनाने में लगे हुए हैं, हर जगह हमारी संस्कृति की पहचान बन रही है। अभी अयोध्या में राम मंदिर बना, धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसी प्रकार से हमारी संस्कृति के ये एक पहलू है, ये एक हिस्से हैं हमारे गहने, इनको भी हमें अपनाना चाहिए और हर त्योहारों में उत्सव कार्यक्रमों में पहनना चाहिए। और इस प्रकार के हम भी चाहते हैं कि कार्यक्रम आयोजित हो, उसमें पुरस्कार के रूप में गहने दिए जाए। दीदी की बहुत अच्छी पहल है जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 24 में। आप मन के अभिनंदन है कि आप मन मोला मोर से बातचीत तो गोट बात करत होते कर ली। आपके टीवी 24 ला बहुत बहुत बधाई है जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको इतना बड़ा सम्मान मिला है, छत्तीसगढ़ धरोहर रत्न सम्मान, ये सम्मान पाकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं कलाकार हूँ और छत्तीसगढ़िया कलाकार हूँ, तो छत्तीसगढ़िया कलाकार के सबले बड़े पूंजी होते हैं सम्मान। तो सम्मान कोई भी हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, और शांता दीदी हम मोला ये लायक समझीस कि ये धरोहर रत्न सम्मान मोला दी से, तो मैं बहुत अपन आप ला गर्वान्वित महसूस करत हूँ कि छत्तीसगढ़ के मैं नानकुन कलाकार हूँ और ये सम्मान मोला मिले है। तेकर बार बहुत बहुत आभार करत हूँ मैं शांता छत्तीसगढ़िया बहनी के। ये थी उर्वशी जी, और इनसे जानते हैं कि आगे इनके कौन कौन से फ्यूचर प्लान है, अपकमिंग मूवी कौन कौन सी है? मैं तो लगातार आप मन मोला देखा रहो, छत्तीसगढ़ी पिक्चर में भी देखते हो, कॉमेडी में भी देखते हो, कचरा बोदरा में, और हमेशा मोर प्रयास रहते कि जो न हमन जीवन जीथन, कहीं ना कहीं सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दुख रहते, तकलीफ रहते, और हर किसी के चेहरा में मैं मुस्कान ला सकूँ, थोड़ा से हंसा सकूँ, थोड़ा से गुदगुदा सकूँ, हमर मन के कलाकार मन के प्रयास रहते। लेकिन जोन प्रयास आज शांता बहिनी करत है छत्तीसगढ़िया गहना ला, हमार छत्तीसगढ़ के परम्परा ला, हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला, मैं ये कहना चाहूँ जम्मू छत्तीसगढ़िया मल्ला कि हम अपन छत्तीसगढ़िया पहचान ला हम घर घर जाके मांगत हन, अपन छत्तीसगढ़िया हक बर पहचान बर हमन खुद लड़ाई करत हन, ये हमारे लिए शर्म की बात है। हमला अपन अधिकार ला मांगे की जरूरत नहीं है, हर छत्तीसगढ़िया ला अपन अधिकार, अपन हक, अपन छत्तीसगढ़ के गहना गुड़िया बोली भाखा सबो ला चिन्हना चाहिए, पहचानना चाहिए, और हमला काकरों सामने हाथ फैला के कहना नहीं चाहिए कि अपन हक ला पहचानो, अपन छत्तीसगढ़ के संस्कृति, अपन बोली भाखा ला पहचानो। और आज छत्तीसगढ़ के बोली भाखा और छत्तीसगढ़ के गहना गुरिया पर शांता बहिनी जो बीड़ा उठा है, वाकई वो बहिनी ला मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँ जो अपन छत्तीसगढ़ के संस्कृति पर एक पहल करत है। ये दीदी का एक बहुत ही बड़ा सपना है कि जो विलुप्त होते जो गहने हैं वे उन्हें सह सके, और आने वाली पीढ़ी, जो हमारा भी एक कर्तव्य होता है जो विलुप्त होते गहने हैं उन्हें हम सहज कर रख सके, और आने वाली जो नन्ही नली युवा पीढ़ी है उन्हें भी अपने इन गहनों के बारे में उन्हें जरूर बताएं ताकि वो आने वाली जनरेशन को वो बता सके। टीवी 24 के साथ मैं वर्षा, रायपुर।